चंद्रयान 3, जी हाँ, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, खासकर भारत के लोगों को, वो इसरो ने लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है, लेकिन अब आगे क्या, आइए आपको बताते हैं बारी बारी से। इसरो ने आज चंद्रयान 3 को मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजने का काम इसरो के द्वारा किया गया है। 16 मिनट के बाद रॉकेट ने इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इतना सुनते ही पूरे देश में, पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। देश की 140 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में 3 लैंड रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को, जी हाँ, डेट नोट कर लो, लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्स मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक और सॉइली और डस्टी है। इसकी स्टडी इसरो के द्वारा की जाएगी। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जी हाँ, चौथा। अगर मिशन सक्सेसफुली रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों ने चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय आज जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लॉन्चिंग के बाद इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सफल महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास समर्थन का प्रमाण है। मैं उनकी भावना प्रतिभा को सलाम करता हूँ। हालांकि पूरा देश इन वैज्ञानिकों को सलाम कर रहा है।